हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल क्रिएट वेल्थ विद अभी के साथ। तो फ्रेंड, आज जो संडे है और आई होप सभी लोगों ने और सबको एक बार नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और कुछ शेयर्स हैं जो ब्रेकआउट हो चुके हैं और जो ब्रेकआउट के लेवल पे हैं, जहां से डाउन साइड नहीं दिख रहा है और काफ़ी कंसोलिडेशन हो चुका है, तो यहाँ से रिस्क रिवार्ड जो है कि बहुत ही फेवरेबल है, जैसा कि हम ट्रेड करते हैं। तो उनके बारे में, उन शेयर्स के बारे में हम देखेंगे एक बार। तो आइए एक बार फटाफट हम चार्ट और उसका क्या टेक्निकल सेटअप बन रहा है वो सारी डिटेल्स देखेंगे। अच्छा, इससे पहले हमने जो भी अभी शेयर्स में ट्रेड किया था पीछे, तो आप देखोगे या तो वो अभी अपने स्टॉप लॉस के ऊपर ही ट्रेड कर रहे हैं, अदरवाइज वो अच्छा रिटर्न दे चुके हैं, तो उसको आप एक बार देख लेना। अब उसको मैं अगर डिटेल डिस्कस करूंगा तो अगर फिर टाइम लगेगा, वीडियो लंबी हो जाएगी। और जैसा कि हमने क्या कुछ शेयर्स इसमें से केमिकल सेक्टर्स के हैं, जिसमें केमिकल सेक्टर्स में हमने पीछे जो भी केमिकल्स के स्टॉक में ट्रेड किया, चाहे दीपक नाइट्रेट हो और नवीन फ्लोरीन हो, फाइन ऑर्गेनिक हो, सबने बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया है। और फिर से एक या दो स्टॉक हैं जो केमिकल्स हैं और मुझे यहाँ से बहुत अच्छा रिटर्न देखने को, बहुत वेरी शॉर्ट टर्म में देखने को मिलेगा। बाकी और भी स्टॉक हैं, तो आइए एक बार चलते हैं, विजिट करते हैं, टेक्निकल देखते हैं उसका क्या सेटअप है। तो हमारा जो पहला स्टॉक है लक्ष्मी ऑर्गेनिक, आप लक्ष्मी ऑर्गेनिक देखोगे तो अगर 6 मंथ में भी हम देख रहे हैं तो बहुत ही अच्छा रिटर्न, बहुत ही अच्छा चला था ये शेयर। तो अभी 1 मंथ का भी रिटर्न हम देख रहे हैं, तो भी ये जो इसका 52 वीक हाई था 628 था, तो अभी वहां से लगभग 200 रुपये नीचे ट्रेड कर रहा है, 200 डेट मीन आप समझ लो अच्छा लगभग 30% डाउन है ये। तो एक बार हम इसका चार्ट देखते हैं, तो ये लक्ष्मी ऑर्गेनिक का 1 डे का चार्ट ओपन किया है और आपको ये स्टॉप लॉस फॉलो करना है, बहुत ही स्ट्रांगली ये स्टॉप लॉस फॉलो करना है, जो कि निकल के आ रहा है 380 का। 380 के लेवल को हमें स्ट्रांग स्टॉप लॉस लेके चलना है। देखिए थोड़ा सा लंबा ये स्टॉप लॉस है, मैं छोटा भी स्टॉप लॉस दे सकता हूँ, बट अभी भी मार्केट में थोड़ा वोलेटाइल है, बट एक कंफर्मेशन है कि अभी निफ्टी यहां से हमें एटलीस्ट 17,600 650 का लेवल दिखा सकती है। और केमिकल के आप स्टॉक देख रहे हो, उनमें अच्छी रैली भी आ रही है, तो यहां से हम 380 का स्टॉप लॉस लेके चलेंगे, 385-380 का स्टॉप लॉस लेके चलेंगे। और जो हमारा सीधा सीधा यहाँ पे टारगेट निकल के आ रहा है, और ये टारगेट आना ही चाहिए, हम केवल 52 वीक हाई को भी अगर लेंगे तो भी 47% का, मैं 30 बोल रहा था, 47% का। और एक बार जैसे ही आप यहां पे देखोगे, जस्ट मिनट, ये जो कंजेशन जोन इसका बना हुआ है ना, ये 450 से जैसे ही बाहर निकलेगा, ये आराम से इधर कोई भी हर्डल इसके लिए नहीं है, वो सीधा यहां पे आपको 530 का सीधा टारगेट देगा, वन शॉट में 530 का ये टारगेट देगा। अभी एएसएम लिस्ट में अभी भी शायद है, तो अब बस बाहर निकलने ही वाला है और बाकी उतना फर्क नहीं पड़ता है एएसएम लिस्ट से, थोड़ी बहुत उस पे ट्रेडिंग। और अब जिनका जो कंपनी अच्छी है उसमें लोग बाइंग तो करेंगे ही, ठीक है। तो यहां से एक अच्छा यहां पे रिस्क रिवार्ड यहां पे देखने को मिल रहा है। जो हमारा स्टॉप लॉस होगा, मैं फिर से रिवाइज कर रहा हूं, स्टॉप लॉस 380 का हमें स्टॉप लॉस यहां पे मस्ट लेके चलना है। और जो हमारा टारगेट है बहुत ही डिसेंट है, ये हो सकता है कि हमें 3 मंथ ना ही लगे, इसमें आराम से अचीव हो जाएगा। जो फर्स्ट टारगेट है आराम से यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं 520 का, यहाँ से एक बार रिट्रेसमेंट मारेगा जैसे ही, क्योंकि ये इसका रेजिस्टेंस का काम करेगा। दूसरा स्टॉक है हमारा, जो हमारा दूसरा स्टॉक है अपोलो माइक्रो। अपोलो माइक्रो अभी ये मतलब तो भी 3 से 4 साल हो गए ये लिस्ट हुआ था ये शेयर, और 6 मंथ में तो अच्छा रिटर्न, अगर हम लाइफ टाइम हाई की बात करें इसका तो सॉरी लगभग 400 के पास में है, और 2018 में ये लिस्ट हुआ था, उसके बाद बहुत अच्छी गिरावट यहाँ पे देखने को मिली। तो एक बार इसका चार्ट हम देख लेते हैं, क्यों इसमें एंट्री लेने का सही टाइम दिख रहा है। ये हमने इसका चार्ट ओपन किया हुआ है अपोलो माइक्रो का, वीकली चार्ट है, और यहाँ पे आप तो यहाँ पे आप देखोगे एक बहुत ही प्यारा सा, ये आप देखोगे एक बहुत ही सुपर कप एंड हैंडल पैटर्न यहाँ पे
मल्टीपल टाइम्स, और यहां से इसने ब्रेकआउट दिया। अब जैसा कि जितना बड़ा हमारा कप होता है वही हमारा टारगेट होता है। अभी ये इस लेवल पर ट्रेड कर रहा है तो आप देखोगे यहां से 68-70% का रिटर्न हमें यहां पे इस पैटर्न के हिसाब से हमें यहां पे देखने को मिल रहा है, और एक बहुत ही अच्छे वॉल्यूम के साथ यहां पे ब्रेकआउट हुआ है। तो यहां पे जो हम अभी इसका स्टॉप लॉस रखेंगे फ्रेंड वो 140 का लेके चलेंगे, 140 के लेवल का स्टॉप लॉस होगा हमारा। जस्ट अ मिनट, तो 140 स्टॉप लॉस आपको फॉलो करना है, 140 का स्टॉप लॉस लेके, और इसमें आराम से हम अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते चलेंगे। और यहाँ पे कहीं भी ये रेजिस्टेंस यहाँ पे दिख नहीं रहा, एक ये छोटा सा हर्डल है 166 के पास में, और ये लगभग इसको एक बार जैसे ही बीट करेगा, अगर ये यहाँ से रिटर्न भी आता है तो वो यहीं पे रिटेस्ट करने की कोशिश करेगा, अदरवाइज यहाँ पे इसको कहीं पे अब रेजिस्टेंस नहीं है, और ये सीधा का सीधा 200 के ऊपर ही क्लोज करने का ये हो सकता है, सर्किट भी दे दे हमें। एरोस्पेस एंड डिफेंस में काम करती है तो आपको पता ही है इन सब चीजों का भी बहुत ही बोलबाला है, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया। तो यहां से आराम से यहां पे हमें एक अच्छा रिटर्न देखने को मिल रहा है। तो ध्यान रखिएगा इसका स्टॉप लॉस आपका जो लेके चलोगे 140 का। जो हमारा थर्ड स्टॉक है लेटेंट व्यू, अभी रिसेंटली ये आईपीओ लॉन्च हुआ था और इसकी ये दोनों ही कैंडल बहुत ही अच्छी बन रही है, इस वजह से मैंने इसको सेलेक्ट किया है। और अगर हम इसको एक बार 1 आवर के चार्ट पे देखेंगे, क्योंकि इसका भी चार्ट पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, आपको पता है अभी लेटेस्ट वो हुआ है, तो आप ये देख रहे हो यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा पैटर्न बन रहा है। ये देखो फ्लैग, और ये बहुत ही अच्छा फ्लैग पैटर्न यहाँ पे बन रहा है, और ये जैसे ही इस जोन से अभी ये निकलेगा क्या है ये इसका 570 के ऊपर जैसे ही ये निकलेगा एक बहुत ही बढ़िया यहाँ पे रैली देखने को मिलेगी। और अभी इनके रिजल्ट आना स्टार्ट होना है, और आईटी कंपनी है, बहुत ही अच्छी कंपनी है, फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रांग है। तो यहाँ से एक अच्छा इसमें मैं सच बताऊं तो स्टॉप लॉस मेरे हिसाब से जो लेके चलना है, जो मैं इसमें पोजिशन बनाया और स्टॉप लॉस लेके अगर मैं काम करूंगा तो मैं इसमें स्टॉप लॉस जो हमारा मेरा होगा वो 480 का होगा। मैं इसमें 480 का स्टॉप लॉस लेके काम करूंगा इसमें, क्योंकि इसमें मुझे ऊपर की तरफ बहुत ही अच्छा टारगेट देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये वाला जो 575 का जो लिस्टिंग का था ये आराम से हमें आते हुए हो सकता है 1-2 महीने भी ले सकता है, बट ये टारगेट मुझे अचीव करके देगा। और यहाँ से मुझे सीधा जो विदाउट टेंशन जो मुझे यहाँ पे रिवॉर्ड दिख रहा है वो 33-34, तो 2-3 मंथ भी लगते हैं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और जो मैं बता रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप जो इसका टारगेट आएगा सीधे वो 612-620 के पास रुकेगा, और उसके बाद ऐसे ही एक एक रेजिस्टेंस फेस करते हुए ब्रेक करते हुए ये ऊपर की तरफ चला जाएगा। लेटेंट व्यू, एक स्टॉक और है उसको डिस्कस कर लेते हैं। जो हमारा थर्ड या फोर्थ जो भी स्टॉक है वो है हिंदुस्तान मोटर लिमिटेड। हिंदुस्तान मोटर लिमिटेड में एक अच्छा वॉल्यूम जनरेट हुआ है, और यहाँ से जो रिस्क रिवॉर्ड है वो बहुत अच्छा देखने को मिल रहा है, और हो सकता है कि ये हमें अगर सर्किट ओपन मिलता है, वैसे खुलता है सर्किट, अगर मिलता है तो हम इसमें एक अच्छा गेन यहाँ पे हम देख सकते हैं। तो आइए एक बार चार्ट पे चलते हैं। ये मैंने चार्ट ओपन किया है हिंदुस्तान, उसका ये आप देखोगे ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट है, और बहुत ही अच्छे उससे ब्रेकआउट दिया है। ये जो होगा आपका इसका थोड़ा सा नीचे 11-10 रुपए का जो होगा 10 रुपए का स्टॉप लॉस लेके चलेंगे, 950 का 9.50 रुपए का स्टॉप लॉस लेके चलिए, ठीक है। ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, उसके ऊपर ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, अभी जस्ट 10 रुपए का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। आप देखोगे यहाँ पे इसको अगर हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं तो इसलिए मैंने ये लिया था कि यहाँ पे ये देखोगे जो ब्रेकआउट था उसके बाद ये यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया और वहीं से ये बाउंस बैक हो रहा है। तो आराम से आप इसमें हम ट्रेड कर सकते हैं, और 950 का स्टॉप लॉस के साथ आराम से इसमें पोजीशन बना सकते हैं। थोड़ा टाइम ले सकता है बट
जो इसका ब्रेकआउट हुआ वो अच्छे लेवल से हुआ है और आराम से यहाँ से 50% का गेन हमें देखने को मिल सकता है। और आप देख रहे हो ठीक वैसे ही जैसे यहाँ पे एक कंसोलिडेशन फेज चल रहा था, फिर उसने जब ब्रेकआउट दिया तो जबरदस्त इस जोन से जैसे ही बाहर निकला बहुत ही अच्छी रैली आई। तो ठीक वैसे ही अभी यहाँ पे एक ये छोटा सा जो 12 रुपए का हर्डल है इसको जैसे ही ये ब्रेक करेगा आराम से हमें ये 14 से 15 रुपए का टारगेट देखने को मिलेगा और उसके ऊपर ये फिर आराम से अपना हाई बनाता हुआ दिखेगा। अभी ये जो ट्रेड कर रहा है आप देखोगे लगभग 18 3 4 साल के अपने उसके प्राइस हाई के ऊपर ट्रेड कर रहा है और यहाँ से एक पैटर्न भी आप देखोगे तो बहुत ही अच्छा बन रहा है, बहुत ही जबरदस्त। और इसने इसको ब्रेकआउट देके यहाँ पे दिया भी था, फिर से रीटेस्ट किया है, देख रहे हो ना आप। वीकली चार्ट पे हमने ओपन किया है तो आप देखोगे यहाँ पे एक पैटर्न बन रहा था और इसने ब्रेकआउट दिया, फिर उसने ये रीटेस्ट कर रहा है और रीटेस्ट करने के बाद आपको पता है उतनी ही जोर से उतनी तेजी से ये ऊपर की तरफ हमें टारगेट अचीव करा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये मेरा व्यू था और मैं इनमें ट्रेड करूंगा मंडे को, और इसलिए मैंने सोचा कि अपना व्यू रखता हूँ। बाकी अगर इसमें कुछ भी ऊपर नीचे होता है तो प्लीज मेरे को ही बताइएगा कि क्या मिस्टेक है क्या नहीं, या कुछ समझ में नहीं आता तो आप पूछ सकते हैं। ट्रेड लेने से पहले प्लीज आप लोग खुद की अपनी एनालिसिस करिए, दूसरों पे ब्लेम करना मतलब सही नहीं है। मैं अपना बस एक व्यू रखता हूँ, मैं कोई बहुत बड़ा ज्ञानी नहीं हूँ यार, ना तो सर्टिफाइड ट्रेडर हूँ, बट आई हैव आई एक्सपीरियंस, सो अपनी एक्सपीरियंस को शेयर करता हूँ। तो फ्रेंड्स जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके लाइक शेयर अपने फ्रेंड्स के साथ, सबको इसका फायदा मिले। तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। जय हिंद जय भारत।